और इसी चुनाव क्षेत्र में धारावी भी आती है, आपकी भी झुग्गी झोपड़ियां बहुत कुछ है, यहां बहुत सारी है। भाजपा के जो एक उम्मीदवार है, प्रत्याशी है बोरुली से, क्या नाम है उनका, पीयूष गोयल, वो हमारे फिशरमैन्स कॉलोनी में गए, कोळीवाड्यात गेले, तो नाकाला रुमाल लावून गेले। या ऐसा सांसद जाएगा और आपकी समस्या वहां कुछ बोलेगा उसके ऊपर? लेकिन एक बात आप जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, जो पीयूष जी ने कहा कि भाजपा मुंबई झुग्गी झोपड़ी मुक्त करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके आगे जो उन्होंने कहा कि सब जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं हम भेज देंगे कहां, सॉल्ट पैन में, आपको मंजूर है क्या? शिवसेना प्रमुख जी ने भी एक योजना बनाई थी जिसके ऊपर काम हुआ भी है, चल भी रहा है, जहां झुग्गी झोपड़ी का घर होना चाहिए, धारावी के जो लोग हैं उनको लेके जा रहे सॉल्ट पैन मुलुंड में, और वो जो जेब में डाल रहे अडानी, धारावी अडानी कड़े, पूरा टीडीआर निकला है उन्होंने, पूरी मुंबई अडानी के मुंह में डाल रहे हैं। बांद्रा रेक्लेमेशन में जो एमएसआरडीसी का ऑफिस है वो भी जमीन अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, धारावी अडानी को, सब अडानी को, और यहां के जितने सारे उद्योग थे वो कहां लेके गए, गुजरात। और मोदी जी आप मतलब क्या, एक 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 एक, एक कहां से आपको ये कोण तुम्हाला विनोद सुचो तो मला माहिती नाही। मोदी जी स्वतःच बोलले अडानी आणि अंबानी बद्दल, तो फिर मैंने कहा कि इतना आपका आपको उसके उनके ऊपर गुस्सा है, अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी जी को कितने ट्रक भर भर के माल दिया है, अरे आप तो टेम्पो भर के, तो आपके हाथ में पूरे देश की सत्ता है ना, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई है, वो क्या ठेले पे बैठे थे उस वक्त जब टेम्पो भरकर माल जा रहा था राहुल गांधी जी के घर पर, तो आपके जो ईडी वाले वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, क्या चूना लगा रहे थे, हाँ कि ठेले पे बैठे थे चकना लेके, क्या कर रहे थे वो? लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मोदी जी ने बात कही मतलब उन्होंने जाहिर कर दिया, उन्होंने जो नोटबंदी की थी क्यों की थी, काला धन नष्ट करने के लिए, काला धन नष्ट करने के लिए आपने जो नोटबंदी की थी, उसके बावजूद अगर ये लोग काला धन राहुल गांधी जी को दे रहे हैं मतलब आपकी नोटबंदी नाकामयाब हुई है, नाकामयाब हुई है। और अब उनकी आंख है मुंबई के ऊपर, खुलेआम मुंबई को लूट रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री था, महाविकास आघाड़ी सब नसीम भाई और राष्ट्रवादी और कांग्रेस सारे लोग मेरे साथ थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुंबई की ओर तिरसी नजर करके देखने के लिए, ना महाराष्ट्र की ओर। और मैंने तो आपको वचन दिया है अपनी सरकार तो जरूर आएगी, इंडिया आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी, और जैसे वहां दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री बैठेगा, मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी